अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू रिक्स साथ हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं अपने तमाम जो भी इस चैनल के फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी को रमजान मुबारक का जो बाबरकत महीना है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ्रेंड्स, आप में से काफी ज्यादा दोस्त जो है अक्सर ये बात पूछते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन या कोई ऐसी सेटिंग्स बताएं जिसको करने के बाद हम अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा स्टाइलिश बना लें, क्योंकि जो नॉर्मली सिंपल स्क्रीन है उसको देख देख के हम काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो देखने में इस तरह की लगे, या आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखते रहे। ओके, तो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को इस तरह करने के लिए आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो है वो सर्च कर लेनी है, बॉलर लाइट। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। ओके, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक एप्लीकेशन जो है वो शो हो रही होगी, बॉलर लाइट लाइव वॉलपेपर। फ्रेंड्स, आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको काफी ज्यादा इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएंगी, लेकिन जस्ट आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसकी 4.2 रेटिंग है। ओके, हम इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लें। ओके, तो ये एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने एक और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है LED कीबोर्ड। ओके, तो चलिए इस एप्लीकेशन को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशन भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए वापस जाते हैं। फ्रेंड्स, वापस आने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर लाइट पे क्लिक करें। ओके, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि आप एड्स के साथ इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप एड नहीं देखना चाहते, तो आप यस टू कंटिन्यू सी एड्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्क्रीन है वो चेंज हो चुकी है। आप सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप होम स्क्रीन या जब मोबाइल फोन लॉक स्क्रीन हो तब भी आप इसको देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड ये वॉलपेपर जो है ये सिलेक्ट यहाँ पे हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन है उसको ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा वो है इनेबल नोच। तो मेरे मोबाइल फोन में क्योंकि नोच नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, तो आपको ये स्क्रीन जो है ये बिना नोच के यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जो लाइन है इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे शो हो रही है। ओके, तो उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन हमने यहाँ पे डाउनलोड की थी LED कीबोर्ड, तो उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इनेबल, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग्स में आने के बाद LED कीबोर्ड है इसको इनेबल कर देना है। ओके, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। अगेन ओके पे क्लिक कर दें। ओके, तो ये कीबोर्ड जो है ये इनेबल हो चुका है। चलिए हम वापस जाते हैं। वापस आने के बाद आप दोबारा LED कीबोर्ड पे क्लिक करें, उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट है वो सैमसंग कीबोर्ड है वो सिलेक्ट है, तो हमने यहाँ पे LED कीबोर्ड जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो कीबोर्ड के डिजाइन है वो शो हो रहे होंगे, तो मैं जो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट है उसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे मैसेज भी क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त जो स्टाइलिश कीबोर्ड है वो हमें शो हो रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये कीबोर्ड जो है ये देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। चलिए हम यहाँ पे इससे टाइपिंग करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड जो है ये देखने में बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। अगर आप भी अपने मोबाइल फोन को इसी तरह का स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो ये दो एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लें। आपके मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है या आप जिसको मैसेज टाइप करते हैं वहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश कीबोर्ड भी नजर आएगा, और जो होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन है वो भी बहुत ही स्टाइलिश नजर आएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए थी जो काफी अरसे से कुछ स्टाइलिश एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।